16 फरवरी को गोरखपुर के राजघाट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महायोगी गुरु गोरक्षनाथ घाट के लोकार्पण समारोह के अवसर पर दिए मोक्ष वाले भाषण पर सांसद रवि किशन ने कहा कि विरोधी सुन ले, 50 सालों तक विपक्ष की सरकार नहीं आने वाली है, इसलिए वे पगला गए हैं, वे कलकत्ता भी हार रहे हैं। रवि किशन ने कहा कि विरोधी सभी बोका टाइप के हो चुके हैं। गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने कहा कि विरोधी पक्ष 4 दिनों से इसको खूब वायरल कर रहा है। उन्होंने कहा कि मैं कहना ये चाह रहा था कि पहली बात तो वो अंत्येष्टि घाट था, वहाँ कव्वाली तो मैं गाता नहीं, मैं वहाँ जीवन और मृत्यु की बात करता। सांसद रवि किशन ने कहा कि आप सब विपक्षी लोग बोका टाइप के हो चुके हैं, आप सब लोगों का दिमाग खाली हो चुका है। केजरीवाल जी भी जान ले, मैंने ये कहा था कि जब मेरी मृत्यु होगी तो मैं भी मरूंगा, मैं भी अजर अमर नहीं हूँ। मुझे जब फूकेंगे लोग इसी राजघाट पर, तब वो मोक्ष का आनंद होगा, मोक्ष होगा। ऐसे ही मणिकर्णिका घाट में लोग नहीं कहते कि स्वर्ग जाओगे, मैंने अपने पिताजी का अंतिम संस्कार भी वहां पर किया था। जब हमारी भी मृत्यु होगी, जब मैं मरूंगा, ध्यान से सुन लीजिए आप लोग जो वायरल कर रहे हैं, जब हमारी मृत्यु होगी, मैं मरूंगा तो हमें राजघाट पर फूकेंगे लोग, जलाएंगे, तब मैं मोक्ष का आनंद लूंगा। जीवन की इस माया से मैं जा रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा था। आप लोग अनायास ही इसे 4 दिन से वायरल कर रहे हैं, अब आप लोग अपनी जीवित आत्मा को शांति दें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सांसद रवि किशन ने कहा, कोई संदेश देना चाहता हूं, विरोधी पक्ष इसको काफी वायरल कर रहा है पिछले 4 दिनों से। मैं कहना ये चाह रहा था, सुन लीजिए आप लोग विरोधी पक्ष, कि मैं कह रहा था वो पहले बात तो अंत्येष्टि घाट था, मैं वहाँ कवाली गाता नहीं, ठीक है, मैं वहाँ जीवन और मृत्यु की बात करता, करेक्ट। और उसमें ये कहना चाह रहे थे जो आप लोग हैं, क्या है कि आप लोग सब बोका टाइप का हो चुका है, आप लोग का सब दिमाग खाली हो चुका है विरोधी पक्ष में, क्योंकि आप लोग की सरकार 50 साल तक और नहीं आएगी, इसीलिए आप लोग सब पागल हो चुके हैं, कलकत्ता भी हार रहे हो आप, तो ये जान लें सब लोग, और ये केजरीवाल जी भी आप भी जान लें, सब लोग जान लें कि मैंने ये कहा था कि जब मेरी मृत्यु होगी मैं भी मरूंगा, मैं कोई अजय अमर नहीं हूँ, तब मुझे जब फूकेंगे लोग इसी घाट पर, राजघाट पे, तब वो मोक्ष के आनंद में, क्योंकि मोक्ष होगा। ऐसे मणिकर्णिका घाट काशी में नहीं कहते स्वर्ग जाओगे, यारब हम अपने पिताजी को अभी वहीं उनका अंत्येष्टि किए, तो जब हमारी मृत्यु होगी, जब मैं मरूंगा, ध्यान से सुन लीजिए आप लोग जो वायरल किए, हमारी मृत्यु होगी, जब मैं मरूंगा, जब मैं त्यागूंगा, हमको राजघाट पे जब फूकेंगे लोग, जलाएंगे डेफिनेटली जलाएंगे, तब मैं मोक्ष के आनंद में उसका मैं आनंद लूंगा कि मोक्ष की प्राप्ति होगी, जीवन की इस माया से मैं जा रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा था, आप लोग अनासे इसको वायरल कर रहे हो 4 दिन से, तो अब आप लोग अपनी आत्मा को शांति दें, जीवित आत्मा को।